दोस्तों स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर काम करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो कार में म्यूजिक सिस्टम होता है उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए। तो कई सारे जो लोग थे या व्यूअर्स थे उन्होंने हमें ये सलाह दी कि क्यों ना इसमें एक होम थिएटर सिस्टम लगाया जाए। किसी भी होम थिएटर को 12 वोल्ट से चलाने के लिए सबसे पहले हमें इसका ये जो बैक पैनल है इसको खोल के 12 वोल्ट कनेक्शन बाहर निकालना होगा। तो आइए इसको खोल लेते हैं। ये पीछे का जो कवर है ये हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का जो पॉइंट है वो देखना है। 12 वोल्ट का पॉइंट ढूंढना बहुत ही आसान होता है। इसमें जो सबसे बड़ा कैपेसिटर आपको दिख रहा हो पूरी किट में, उस कैपेसिटर से आप ले लीजिएगा 12 वोल्ट के प्लस माइनस, क्योंकि वो उसका फिल्टर सर्किट होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। तो वैसे इस सर्किट को चेक करने के बाद में हम ये कंक्लूजन पर निकले हैं कि ये जो सिस्टम है या जो वूफर है ये दो अलग अलग तरीके की पावर सप्लाई से चलता है। पहली होती है 12 वोल्ट की, जो कि सारे ट्विटर्स या जो हैं कि जो चैनल हैं उनको चलाती है, और 24 वोल्ट जो होता है वो वूफर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमें 24 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा हम सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 24 वोल्ट की सप्लाई और एक 12 वोल्ट की सप्लाई। तो ये दो अलग अलग सप्लाई बनाएं। इससे अच्छा ये होगा कि हम एक छोटा सा इन्वर्टर या UPS यूज़ कर सकते हैं और इसके 220 वोल्ट सप्लाई को पावर देकर भी इसको हम चेक कर सकते हैं। तो आइए ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक UPS ऑलरेडी है तो इसको हम वापस फिक्स कर देते हैं और उस UPS का यूज़ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे के ऊपर। हमारे साथ में है देवेंद्र जी, जो हमें बताएंगे कि क्या ये चीज़ वाकई में कंपेटेबल है या नहीं। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि हमारे पास में भी क्या क्या सामान अवेलेबल है। तो गाइस मेरे पास में है, पीछे की सीट पे आप देख सकते हैं कि ये एक 4.1 चैनल का इंटेक्स का होम थिएटर सिस्टम है जो कि वर्किंग है, चालू कंडीशन में है। इसके अलावा मेरे पास में है एक ये UPS जो कंप्यूटर में लगता है और ये 12 वोल्ट बैटरी की पावर को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा मेरे पास में है एक ऑक्स केबल जो इसके साथ में निकली हुई है। और हमारे साथ में क्योंकि देवेंद्र जी हैं तो आइए उनसे एक बार पूछते हैं कि क्या ये चीज़ इसमें काम करेगी या नहीं। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ इस कार के अंदर काम करेगी? इस कार मतलब ऐसी किसी भी कार के अंदर क्या हम इस तरीके का सिस्टम फिट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? वैसे इसको देखा जाए टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वर्किंग पॉसिबल है, बट इसमें आपने जो रिक्वायरमेंट है इसमें 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो अवेलेबल है अपने पास। 12 वोल्ट का मतलब UPS है जो कन्वर्ट करेगा, और 220 वोल्ट का जो वूफर सिस्टम है वो अवेलेबल है। तो सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये वर्किंग करेगा अभी ये देखना है कि इसमें कनेक्शन होने के बाद ये कितना सक्सेसफुल है। अच्छा, ये अपन देख सकते हैं जो कनेक्शन करके, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये वर्किंग। तो गाइस देखा आपने कि जो हमारे साथ में जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से ये चीज़ काम कर सकती है। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इसको लगाना। तो गाइस जो सबसे पहला काम है वो है कि आपके पास में जो सिगरेट लाइटर है उस सिगरेट लाइटर में इस UPS के कनेक्शन करना है। ये UPS के मेन वायर हैं, रेड वाला प्लस का है और ब्लू वाला माइनस का। तो हमें यही करना है कि जो रेड वाला है उसको अंदर जो एक पॉइंट होता है उससे टच करना है और इसको बॉडी से टच करना है और ये जो सॉकेट है इसको इसमें लगा देना है जिससे कि हमें 220 वोल्ट मिलेगा। कनेक्शन हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये लाइट यहाँ पर जल रही है और 220 वोल्ट भी बन रहा है। अब आइए जो वूफर है उसका कनेक्शन पीछे कर देते हैं। गाइस हमारा जो कनेक्शन है वो लगभग पूरा हो चुका है, देख सकते हैं कि एक जो स्पीकर है वो हमने यहाँ रखा है, एक ड्राइवर साइड के नीचे वाली जो सीट है उसमें रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ रखा हुआ है। और बाकी जो दो चैनल हैं ये हमारा मेन UPS है और इसका कनेक्शन भी यहाँ हो चुका है, और जो तीसरा चैनल है वो यहाँ पे पीछे बूट में रखा हुआ है और ये वाला भी बूट में रखा हुआ है। जो वूफर है
उसको भी हमने बूट में फिक्स किया है। अब आइए इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि कैसा बजता है। आओ भाई बैठो। तो गाइस यूपीएस हमारा चालू हो चुका है, सप्लाई भी ऑन है, सारे सिस्टम ऑन है। यहाँ पीछे अगर देखें तो हमारा वूफर भी ऑन हो चुका है, ब्लू लाइट देख सकते हैं। अब आइए इसका एक बार डेमो करके देखते हैं कि साउंड कैसा आता है इसमें। सारे दरवाजे हम लोग लगा चुके हैं और देवेन जी भी बैठ चुके हैं अंदर टेस्टिंग के लिए। तो गाइस ये गाना पहला हमारा बजा। तो गाइस आप सुन सकते हैं कि साउंड जो है बहुत ही फिनोमिनल, मैं कहूँगा कि आ रहा है। और बाकी सारी बातें हमें बताएंगे देवेन जी। देवेन जी कैसा लग रहा है साउंड? तो काफ़ी बेहतर है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही साउंड आ रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस टाइप की जो इनोवेशन है ये होते रहना चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति अपनी कार में होम थिएटर को लगा के चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है, मतलब इतना साउंड है कि आप एक म्यूजिक सिस्टम की जगह जो एक मार्केट में हाईली कॉस्टली मिलते हैं उससे तो बेटर है ये। और अपन ये चीज करके देख चुके हैं कि मतलब एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है। और आपने देखा कि हमने इसमें किसी भी तरीके की इसकी जो एग्जिस्टिंग म्यूजिक सिस्टम था उसकी किसी भी वायरिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है। मतलब जो पुरानी वायरिंग है वो इंटैक्ट है और हमने ओवरऑल जो एक्सटर्नल वायरिंग की है पूरी, ये बस पूरा सिस्टम अलग से हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि छोटा सा वीडियो हमने जो कि कार में होम थिएटर सिस्टम को कैसे फिट करते हैं और कैसे लगा सकते हैं हम बहुत ही आसानी से, आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे गेस्ट देवेंद्र जी के खातिर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।